हाँ तो भैया, ये कहानी है कल की। हमारे फ्रेंड ने आईफोन 11 ऑर्डर करा था और फिर उसने कहा था कि भाई डिलीवरी के टाइम पर तू आ जाइयो, कोई दिक्कत वगैरह हो तो फिर बता दियो। तो हम भी चले गए। चाय पी के दिखा, चाय पी के दिखा, चाय पी के दिखा। चुस्की चुस्की मारना, आवाज आनी चाहिए। तो फिर जब डिलीवरी बॉय आया तो हमने कहा डिलीवरी बॉय को, भाई आपके सामने खोल के चेक कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या पहले काफ़ी पत्थर वत्थर भी निकले ऑनलाइन ऑर्डर्स में या कुछ और। अब भाई 40-50 हज़ार का फटका तो फिर बड़ा दिल पे लगेगा ना। तो फिर डिलीवरी बॉय ने कहा कि भाई वीडियो भी बना लो। तो डिलीवरी बॉय घर के अंदर तो गया नहीं, तो घर के बाहर ही अनबॉक्सिंग कर डाली हमने, तो वो भी जरा देखें आप। अब अनबॉक्सिंग तो हो गई, बट गली के बच्चों का, जो आसपास के बच्चे थे वहाँ के, उनकी बातें सुने आप। लो भाई बोली, आईफोन एप्पल एक ही होता है। ये सब तो ठीक है, बट अब अगर आप 40-50 हज़ार का कोई फ़ोन ले रहे हो या कोई भी चीज़, आप गाड़ी भी चला रहे हो, तो भैया सेफ्टी तो फर्स्ट होती है ना, तो सेफ्टी फर्स्ट मतलब। हाँ तो भाई, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा फ़ोन वोन का काम करवाने, टेम्पर्ड वगैरह लगवाने। तो अब जब इतना महंगा फ़ोन लिया मेरे फ्रेंड ने, मुझे इतनी दूर से बॉर्डर पर बुलाया, तो कैमरा चेक करना तो बनता है ना यार। हाँ तो गाइज, अभी हम एक और फ्रेंड के घर आए थे और क्लैरिटी बताओ यार कैसी है इसकी। क्लैरिटी तो बढ़िया लग रही है, अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है ना भाई। किडनी में दर्द है बस। कहाँ पे कहीं दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द है यार। It was at this moment that he knew he fucked up. हाँ तो इसकी पर किडनी में दर्द हो रहा है। फिर जब इतना टाइम हो जाए, वैक्सीन भी लगवाया था मैंने, तो भूख भी तो यार लगी जाती है। कलर डिफरेंस है तो गाइस, ये 7+ और ये 11, ये 7+ और ये 11। फिर पिज्जा विज्जा खाने के बाद जो कुछ भी हमें करना था अपना, वो सब चीज़ें करने के बाद, उसका फ़ोन वोन सेटअप करने के बाद, मैं शाम को अपने घर आ गया था। और फिर मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं मेरे मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में, भाई कौन है कौन है। तो कल ऐसे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टोरी पर डाल के जवाब दिया जाए भाई को। तो मैंने स्टोरी पर डाला और देखे आप स्टोरी देखे, मतलब यार ऐसा सोचते हो भाई, सिंगल है तुम्हारा भाई हक से। बाकी एनीवेज, ये तो थी अभी तक की कहानी। अभी हम मिल रहे हैं अगली सुबह, और अगली सुबह अभी मुझे थोड़ा दूसरा अकाउंट खुलवाने जाना है, क्योंकि तुम्हारा भाई बड़ी स्पीड में पैसे खर्चता है। तो सोच रहे हैं अब थोड़ा बचा ले, मम्मी ने आइडिया देखे, बेटे दूसरे अकाउंट खुलवाओ जिसमें सेविंग करो, तो पैसे बचाने तो है यार, बट तो इसीलिए दूसरा अकाउंट खुलवाने जाते हैं अभी। और एक दो काम और है, वो सारे काम भी आपको दिखते रहेंगे ब्लॉग में। तो चलिए एक ट्रांजिशन में सीधे मिलते हैं आगे, पता नहीं कहाँ। एक ट्रांजिशन में हम मिलेंगे अगली सुबह, क्योंकि कल हम बैंक गए थे, तो बैंक में उन्होंने कहा कि भाई अकाउंट तो ज़रूर आप ओपन करवा सकते हो, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट मंडे आना पड़ेगा, उस दिन आप ओपन करवा सकते हो। तो हम उसके बाद नेहरू प्लेस चले गए थे। आ रहे थे नेहरू प्लेस, और ट्रैफिक देखे सर, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे फ़ोन का जो बैक का टेम्पर्ड था वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सी जगह पूछा तो नेहरू प्लेस में ही मिलता है बस, तो वहाँ चले गए हम, क्योंकि मेरे भाई की होटल की छुट्टी बहुत कम होती है। फिर उसके बाद मेरे भाई को एक दो फोटोज़ क्लिक करवानी थी, और उससे पहले मेरे भाई को बाइक का पीछे का ब्रेक पैड होता है या डिस्क पैड होता है वो मुझे नहीं पता, तो वो डलवाना था, तो वो डलवाया। एंड उसके बाद हम फिर घर आ गए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और फिर शाम को गए थे, बट हम मैंने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी एक दो, एंड उसके बाद हम आ गए घर। और अभी हम मिल रहे हैं अगली सुबह, क्योंकि हम ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग से एडिट कर रहा था। और अब आप बोलोगे कि भाई इतना छोटा ब्लॉग कौन बनाता है, मैं